गद्दी पे बैठकर और साधना की, विपसना की, मेडिटेशन की और ध्यान किया, तो ध्यान में जो बाधाएं आई उस समय उनके अंदर, शरीर के अंदर, उस पूरी बाधाओं के समूह को मार बोला, और मार का नाम बाद में मार सेनापति दिया, और उसके मार के बहुत सारे अंग हैं, मैं बाद के एपिसोड में बताऊंगा आपको। तो उस मार ने अपने सारे, उसमें मेल और फीमेल जितने भी गुण और अवगुण थे, उन सभी इस्तेमाल किए बुद्ध के ऊपर जो उनके बॉडी के अंदर चले हैं। कहीं कोई उनको चाकू से या भाले से नहीं काट रहा है, ना ही कोई उनको जला रहा है, नहीं मार रहा है, मगर शरीर के अंदर जितनी बुराइयां थी वो बुराइयां बुद्ध छोड़ रहे हैं, और बुराइयां उनको पकड़ रही हैं और मार रही हैं। कह रहे नहीं, हम आपके शरीर से, आपके मन से नहीं जाएंगे। ये लड़ाई चल रही है बैसाख पूर्णिमा को रात को, और जिस व्यक्ति को लक्ष्य बनाने के लिए सारी बुराइयां ये काम कर रही हैं, अंत में वो हार जाती हैं और उसको लक्ष्य नहीं बना पाती। इसलिए ये कहावत तब से चलती है, अलख निरंजन धम्म धम्म बोधि। धन्यवाद।